सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और आगे पढ़ाई में जुट जाइए। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि आपकी परीक्षा जो है 2 जुलाई से होने वाली है। इस स्कूल में ये मेरे समय का ये पहला परीक्षा होगा। आप लोग दीजिएगा, आप लोग कैसे परीक्षा देते हैं, क्या करते हैं, उसका तो पूरा अनुभव इस स्कूल का मुझे नहीं है, लेकिन हाँ इस बार हो जाएगा अनुभव। तो मैं आपसे ये बतला देना चाहूँगा कि आपकी जो परीक्षा होगी ना, ये इसका पूर्णांक 50 नंबर का होगा। कितने का होगा? 50 नंबर का होगा। और उस 50 नंबर के प्रश्न में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात और भी मैं कह देना चाहूँगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके बुक से ही होंगे, लेकिन अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उससे नहीं होंगे, क्योंकि आजकल बच्चे जो है चूँकि कहानी समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं घर पे, और बस परीक्षा का समय आता है तो अभ्यास उसके लास्ट में जो होता है प्रश्न उत्तर वाला, उसको उलट करके उसमें से जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन आंसर कर लिए और उसको पढ़ करके आ गए, बीच में भूले तो चोरी भी कर लेते हैं। तो इस बार उस पैटर्न को चेंज किया गया है ताकि आप लोग चोरी ना कर सकें और कहानी के अंदर की बात आपको जानकारी है कि नहीं इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। 1 घंटे का परीक्षा होगा, 1 घंटे में ही आपको सारा प्रक्रिया से गुजरना होगा। तुम बता लाइए कि आपको परीक्षक का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट का समय आप परीक्षा देने के लिए मिलेगा, बाद बाकी 1 घंटे का समय 10 मिनट ऐसे ही इधर उधर में बीत जाएगा। तो बताइए कि इतना शॉर्ट टाइम में आप किसी प्रश्न का जवाब किताब से ढूंढिएगा, अब कि प्रश्न कहाँ से लिया गया है तो उसके लिए तो आपको किताब पढ़ना होगा। थ्रोली आप किताब पढ़िएगा, थ्रोली किताब पढ़िएगा तो हो सकता है कि उस प्रश्न का उत्तर आपको किताब में मिल जाए। तब तक आपका 20 मिनट का समय तो चला गया, तो 20 मिनट के समय आपका गया तो एक प्रश्न का उत्तर आपको मिला, तो आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाइएगा भाई 50 मिनट में? इसलिए आपको चारों ओर से आपकी चतुराई को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं से आप इस बार आपकी चतुराई काम न करे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। जहां तक सब्जेक्टिव का सवाल है तो 30 नंबर के जो सब्जेक्टिव होंगे, कुछ प्रश्न 3 नंबर के होंगे, कुछ प्रश्न 4 नंबर के, कुछ प्रश्न 5 नंबर, वो प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि जो जिसका जितना विस्तृत क्वेश्चन होगा उसका उतना ज्यादा नंबर होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 20 नंबर्स के होंगे, तो उस 20 नंबर्स में
आपको अभी तक जितना मैंने व्याकरण पढ़ाया उस व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, संधि से, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, वर्ण से, उसके अलावा किताब के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है कि दो चार उसमें रहे, कहे कि हमको 20 नंबर का प्रश्न पूछना है उससे, तो उस 20 नंबर के प्रश्न में भी कई प्रकार के होंगे, प्रश्न निकालेगा उसमें चार ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुन करके लिखना है। बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें ऑप्शन गायब रहेगा, ऑप्शन ही नहीं रहेगा, बहुत ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें खाली जगह को भरने के लिए नीचे चार ऑप्शन रहेंगे, और बहुत ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन गायब रहेंगे। तो एवं प्रकार से 20 नंबर के प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, और सब्जेक्टिव के प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप तो हिंदी को बड़ा ही ईजी में ले लेते हो, और हिंदी है तो है, नहीं हो पढ़ेंगे तो मन से कुछ लिख देंगे तब पास करिए, इस गलत फहमी को आप दूर कर लीजिए। मैथ में ज़्यादा नंबर उठता है और हिंदी में कम नंबर उठता है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण है आपकी अशुद्धि, आपकी गंदी लिखावट, इसमें नंबर कटते हैं। अब सपोज कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं 3 नंबर का है, 3 से 4 पंक्ति में उसका जवाब देना है, और आपने उसका जवाब भी बिल्कुल सही दिया, जो उस प्रश्न का जवाब होना चाहिए माकूल जवाब आपने दिया, लेकिन लिखने में आपने गलती कर दी, बहुत सी अशुद्धियां उसमें हो गया, लिखावट आपका साफ नहीं है, तो क्या 3 नंबर आपको मिल जाएगा उसमें? नियम कहता है कि 3 गलती पर 1 नंबर कटता है हिंदी में। अगर मैं आपको रहम भी करूंगा, 4 गलती पर 1 नंबर काटूंगा, फिर भी 10 गलतियां अगर आपकी हुई तो 2.5 नंबर तो आपका कट गया। आपने सही लिख करके गए हैं घर पर, जो है बोल रहे हैं हम तो पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल 100% सही लिखे, हमको 50 में 50 नंबर आना चाहिए, और आपको नंबर कितना आया? 30, 25। तो आपको भी आश्चर्य होगा, आप जो है जो कि टीचर पर भी गुस्सा कीजिएगा, कहिएगा, अगर आपको बर्दाश्त नहीं होगा तो आपको अभी दीजिएगा कि सर मैंने पूरा क्वेश्चन का जवाब दिया, हमको इतना नंबर क्यों कम आया? लेकिन आप ये नहीं पूछिएगा कि हमसे कितनी अशुद्धियाँ हुई है, है ना? तो हिंदी में अशुद्धियों को दूर कर लीजिए, फिर आप पूरा प्रश्न नंबर आप ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में 100 में 100 नंबर नहीं आएगा, हिंदी में 50 में 50 नंबर नहीं आएगा, लेकिन कॉपी में टीचर का एक जगह भी रेड पेन नहीं लगना चलना चाहिए, कहीं हर्षिकार दीर्घिकार में गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं हर्षोकार दीर्घोकार में गलती नहीं होनी चाहिए, प्राय बच्चे इसी हर्षिकार दीर्घिकार और हर्षोकार दीर्घोकार में गलतियां कर देते हैं। तो गलती कीजिएगा भाई तो उतना नंबर तो उसमें आपका माइनस नहीं करेगा।
तो दो चीज पर ध्यान देना है, एक लिखावट आपका शुद्ध और साफ, ये साफ सुथरा होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस बना करके, है ना, जैसे आप लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं उसी तरह डिस्टेंसिंग का ख्याल आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच भी रखना होगा, और साफ लिखिए, शुद्ध लिखिए। भाषा में थोड़ी त्रुटि भी होगी तो उतना हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन अशुद्धियों को इग्नोर नहीं करेंगे। अशुद्धियों पर ध्यान दीजिए, और अशुद्धि को तो दूर करने का बहुत हल्का तरीका है कि आप उच्चारण के अनुसार आइए ना। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। गलत उच्चारण आप कीजिएगा तो हम उसी चीज को गलत लिख देंगे, सही उच्चारण कीजिएगा तो उसी चीज को सही कर देंगे, क्योंकि जब उच्चारण के समय किसी शब्द पर जब जोड़ पड़ता है, तो वह दीर्घ ईकार लिखाता है या दीर्घ उकार लिखाता है, और जब किसी शब्द पर जोर नहीं पड़ता है तो हर्ष ईकार हर्ष उकार लिखाता है। इसे पूजा, पूजा हो रही है, तो पूजा में आप फट से लिख देते हैं पूजा, क्योंकि गलत है, रॉन्ग है, पूजा होगा पूजा, ऊपर जोर पड़ रहा है। साधारण साधारण सी बात, चीनी आप लिखते हैं चीनी, चीनी लिख दिए, लेकिन ये चीनी सही है कि गलत आपको ख्याल नहीं है। चीनी चीनी ची पर भी जोर पड़ा है, नी पर भी जोर पड़ा है। दूध आप लोग लिख देते हैं दूध, जो कि सर्वथा गलत है, द में दुर्गुकार होगा दूध। फूल लिख देते हैं आप लोग ऐसे, गुलाब का फूल है लेकिन फूल ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत हो गया। फूल शिकार होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी त्रिकार
होते ही नहीं हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी हर शिकार होते ही नहीं हैं। जैसे हम लोग को तो देखते हैं कि नहीं भी लिख देते हैं इसी तरह, जो कि ऐसा कभी नहीं किसी परिस्थिति में लिखिए नहीं अधिकार ही होगा, कभी भी हर शिकार नहीं होगा। कभी लिखना है कभी भी हर शिकार नहीं होगा, कभी ये ठीक है और सितारा कर देते हैं तो गलती हो जाए, फिर अगर लिखना है और हर शिकार फिर लिखिए ये हर शिकार सही है, फिर कभी भी निर्धिकार नहीं है। कुछ एक वचन से बहुवचन में जब आप बनाते हैं जैसे लड़की है तो लास्ट में एक वचन का लास्ट वाला अक्षर अगर द्विकार है ना तो वो हर शिकार हो जाएगा। लड़कियां लड़कियां लिखने नारी नारी मनी स्त्री नारी कौवा नारियां ये सब तो ऐसे बहुत से गुण हैं। शुद्ध लिखने का बहुत से तरीका है लेकिन सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहिएगा कि नहीं आज से मैं शुद्ध शब्द ही बोलूं और शुद्ध शब्द ही लिखूं तो अवश्य आप की अशुद्धि में कमी आएगी, क्योंकि कहा गया है जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरी पानी बैठ। जो व्यक्ति किसी चीज की तलाश में निकल जाता है, अगर वह सच्चे दिल से उस चीज की तलाश करता है तो वो चीज उसे मिल जाती है। और ये कौन बड़ी की बड़ी चीज है, ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। अशुद्ध शब्द को शुद्ध लिखने के लिए थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, फिर आप देखिए कि आपकी अशुद्धि कैसे दूर हो जाती है। और जब आपकी अशुद्धि दूर हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग भी आपके इस लिखावट को देखकर तरस खाएंगे, अरे हम इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं हमसे भी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें तो एक भी गलती नहीं मिल रहा है। अरे तो वो तुम उस गलती को दूर करने का प्रयास ही नहीं किया। अभी समय है, आप प्रयास कीजिएगा तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पढ़ाई मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, विराम दे रहा हूँ। आप लोग परीक्षा की तैयारी में भी जाइए, कोशिश कीजिए, और विषय का तो मैं नहीं बात करूँगा लेकिन कोशिश कीजिए हिंदी में अच्छा से अच्छा नंबर ला लें, है ना। किसी बच्चे को हिंदी में कम नंबर ना आए ये आपसे मैं आशा करूँगा। जय हिंद जय भारत।